और अब इससे रख रहे हैं डी तैयार हो गया मैं और छोटो में आया, ऐसा भी होगा कि वो भी सर पहुंचे, यह हो गया फिजिक्स और केमिस्ट्री ई रख देते, यह है मैं और केमिस्ट्री एफ रख देते, और यह तीनों है देखिए तो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों में हुआ, तो कुछ लोग तीनों पढ़ते हैं, देखा बहुत अच्छी हुआ, देखिए सात को है सात को राशि है, तो जब हम लोग सवाल बनाएंगे तो सात को समीकरण बने, क्योंकि जितना राशि रहता है उतना समीकरण रहेगा, तब तो उस राशि का मान निकलेगा। जैसे मैट्रिक क्लास से पहले हम लोग इक्वेशन हल करते थे, एक्स प्लस वाई बराबर दस, एक्स माइनस वाई बराबर पांच, तो क्यों दू गो समीकरण देता था, इसलिए कि उसमें दू गो राशि दू गो वेरिएबल है एक और, इसलिए दो समीकरण देता था। तो जितना राशि रहता है उतना समीकरण होना चाहिए, तब तो हम राशि का हल ढूंढ निकाले, तो वो समीकरण बनेगा सात को, ठीक है। और सात समीकरण भले नाम का सात को होगा, ये दो सेट वाले से भी आसान सवाल है, तीन सेट वाले, ठीक है। सभी राशि का पहले हम बिना सोचे समझे मान निकालेंगे, जैसे मान लीजिए जी का मान निकल जाए दिया रहेगा, तो उसी का मान किसी में रख देगा तो डी का निकलेगा, फिर उसका मान रख देगा तो ई का निकलेगा, इसी तरह से हमारा सभी राशि का मान निकलेगा, और तब जो पूछेगा बाद में कहेगा केवल मैथ बताइए, तब ये हो गया जवाब, केवल फिजिक्स बताइए तो क्या जवाब होगा, हमारा कहेगा नहीं मैथ तथा फिजिक्स बताइए, तो यह मैथ हुआ और यह फिजिक्स हुआ, तो टी प्लस जी हो जाएगा। जी का नहीं, अब देखिए पहले पंद्रह नंबर सवाल, पंद्रह नंबर सवाल देखिए, एक किताब हमको दीजिए, अरे भाई पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जो सवाल होता है वो बताया जाता है, किताब में देखिए क्वेश्चन, एक क्लास है 175 स्टूडेंट, एक क्लास में 175 विद्यार्थी है, फॉलोइंग इज द डिस्क्रिप्शन शोइंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग।